नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हर एक प्रेग्नेंट वुमेंस को जानने की क्यूरियोसिटी होने लगती है कि होने वाला बेबी जो है हमें क्या होगा। हम मतलब सीधी सी बात है, हमारे गर्भ में, हमारे पेट में बच्चा है, तो मतलब कि ऐसा है कि हमें हर टाइम दिमाग में ये चलता रहता है कि यार हमें क्या होने वाला है, कैसा होगा है। बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग है ये और बहुत ही नेचुरल थॉट है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं कि हमें तो बस लड़का ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि जिन्हें पहले बेबी गर्ल है वो फिर बेबी बॉय को लेकर सेकेंड प्रेगनेंसी को करते हैं, और जिन्हें गर्ल है वो बॉय को लेकर जो है सेकेंड प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। बट समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाहें लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है, मैं तो कहती हूँ वही हमारे लिए बेस्ट है, उसी से हमारा नाम रोशन होना है। मतलब ये मेरी सोच है, बाकी मैं सबके बारे में नहीं बोल रही, मैं सिर्फ अपने बारे में बताती हूँ अपने वीडियोस में। देखो, पहली बात क्लियर कर दूँ, मेरी दो बेबी गर्ल हैं और मेरी उनके साथ लाइफ कैसे चल रही है, अगर आप लोग भी ये देखना चाहते हैं तो मैं अपने इसी चैनल में जो है ब्लॉग्स भी डालती हूँ, जिसमें मैं अपनी बेटियों के साथ किस तरह से रहती हूँ, मैं सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि दो बेटियों के बाद मेरी लाइफ जो है वो किस तरह से कैसी चल रही है। ठीक है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो में जो है बताऊंगी कि दोनों बेटियों के टाइम पे जो किट्स जब मैंने चेक किया था। देखो, बड़ी वाली बेटी को मेरा 6 ईयर कंप्लीट हो चुका है, छोटी वाली अभी 1 ईयर कंप्लीट हुई है, तो दोनों के टाइम का मुझे अच्छे से याद है कि जो स्ट्रिप थी, जो किट थी, उसमें मेरे को लाइंस जो थी वो कैसी आई थी, वो डार्क थी या वो हल्की थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम लोग इनिशियल डेज में, मतलब शुरुआती दिनों में चेक करते हैं, थोड़ा जल्दी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब बिल्कुल वेट नहीं होता है हम लोगों से, क्योंकि अगर एक बार माइंड सेट हो जाता है ना, स्पेशली मैं औरतों की बात कर रही हूँ, अगर हमारा माइंड सेट हो जाता है कि अभी हमको फर्स्ट या सेकंड बेबी चाहिए, तो 24 घंटे बस, मतलब कि बाकी हर चीज से तो दिमाग हट ही जाता है, सिर्फ उसी पे रहता है कि कैसे करके जो है इस मंथ जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ये बहुत ही मतलब सभी के साथ ऐसा ही होता है, तो इसी वजह से क्या रहता है, हम लोग बार बार जो है वो टाइम से पहले ही किट से चेक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या रहता है, समटाइम्स लाइन जो है बहुत हल्की आ जाती है, इतनी हल्की होती है कई बार तो दिखता भी नहीं है, और हम लोग बहुत ही ध्यान लगा के मतलब 5-10 मिनट तक देखते रहते हैं कि यार कैसे भी ये लाइन हमें ढंग से विजिबल हो जाए, कि क्या पता बेबी है, कंसीव हो गया है हमें, या हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है। बट समटाइम्स जो रहता है वो कुछ दिनों के बाद, अगर आप मतलब इसीलिए कहा जाता है कि 1 हफ्ता या 8 से 10 दिन बाद चेक करो, ताकि जो जो HCG हार्मोन्स का लेवल है वो तब तक जितना होना चाहिए उतना हो जाता है, तो इस वजह से कहा जाता है थोड़ा सा वेट करके जो है चेक करो, डॉक्टर कहते हैं। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं, तो हम लोग तो कहाँ वेट होता है भैया, फटाफट से चेक करो, चाहे स्ट्रिप अपने आप बर्बाद होती है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा अपना मेंटली हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ हमने चेक किया था, लाइन हल्की, तो क्या पता डार्क हो जाए, या फिर और अगर नहीं आई तब तो भाई फिर तो 1 महीने की और टेंशन है कि वो इस बार भी नहीं हुआ है। तो समटाइम्स लाइन इसलिए भी हल्की आती है कि उस समय जो HCG हार्मोन्स का लेवल है वो थोड़ा कम रहता है, इस वजह से भी लाइन हल्की आ सकती है। और समटाइम्स जो है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी होता है, इस वजह से भी लाइन जो है वो इतनी हल्की की ना के बराबर, मतलब हम जबरदस्ती देखते हैं कि लाइन बन रही है, बट वो लाइन होती नहीं है, और समटाइम्स क्या होता है लाइन हल्की और एक डार्क बनती है। तो इसमें ये रहता है कि लेवल जो है हार्मोन्स का भी कम है, थोड़े दिन बाद दोबारा चेक करो, जब HCG हार्मोन्स का लेवल जो है ठीक ठाक आ जाएगा तो लाइन भी जो है ऑटोमेटिक डार्क बन जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ दोनों बेटियों के टाइम पे मेरी लाइन जो है वो कैसी बनी थी। फ्रेंड्स, बड़ी बेटी के टाइम पे, जो मेरी बड़ी बेटी है बिट्टू, मैं उसे बिट्टू बोलती हूँ, छोटी को मैं किट्टू बोलती हूँ, तो बड़ी बेटी के टाइम जो लाइन थी वो हल्की थी। ठीक है, हल्की थी क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसको चेक करने के बाद मैंने खिड़की पर रख दिया था, मैंने सोचा था कि अभी हल्की बनी, क्या पता थोड़ी देर बाद ये शाम तक के 1-2 दिन बाद ये डार्क हो जाए, मतलब इतना मुझे था भी नहीं कि डार्क ऐसा ना तो मैं यूट्यूब देखती थी, ना मुझे कुछ पता था, नो नथिंग, बस इतना था कि हाँ किट में लाइन जो है थोड़ी बहुत दिख रही थी, मतलब विजिबल थी, तो लगा था प्रेगनेंसी तो है, बट ये बहुत हल्की सी है तो पता नहीं क्या है, मतलब क्योंकि मेरा थोड़ा लेट हुआ था, मुझे जो कंसीव है थोड़ा लेट हुआ था प्लानिंग के, तो मुझे लगा था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इस वजह से क्या पता कुछ टाइम बाद ये डार्क हो जाए, तो मैंने संभाल दिया था। तो जब मैंने उसको एक दिन बाद भी, मतलब हालांकि पूरे दिन चेक कर रही थी, बट 1-2 दिन बाद भी वो लाइन वैसी हल्की की हल्की थी, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो बड़ी बेटी के टाइम पे मेरी लाइन जो है वो हल्की बनी थी, और जो छोटी वाली जो किट्टू है मेरी, है ना, इसके टाइम पे भी जो मेरी लाइन है, इसका तो मुझे अच्छे से पता है, इसके टाइम पे मेरी लाइन भी जो है हल्की बनी थी, मतलब ये है कि चेक करते एकदम से पॉजिटिव हो गया था, बट लाइन जो है वो डार्क मेरी दोनों के टाइम पे नहीं बनी थी। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मैं बिल्कुल बिल्कुल
ट्रू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल फ्रीली शेयर करती हूँ। किसी भी हाल में बॉय गर्ल इसमें मतलब भेदभाव मेरा कहीं से कहता तो कोई मतलब तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी खुद की दो बेटियाँ हैं तो भेदभाव करने का तो मेरा मतलब ही नहीं होता है, सीधी सी बात है। लेकिन ये कि बिल्कुल सही बता रही हूँ कि दोनों के टाइम पर मुझे लाइन जो थी वो हल्की थी। अब फ्रेंड्स आप लोगों के साथ जरूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ भी सेम अगर हल्की हो तो बेबी गर्ल ही हो, बट अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे को दोनों बार में जो है हल्की थी और दोनों बार मेरी बेबी गर्ल्स हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगी कि जो आप लोग को चाहिए वही आप लोगों को भगवान दे, बट अगर नहीं भी मिलता है जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेम जेंडर रिपीट होता है तो इतना ज़्यादा अफसोस करने की भी ज़रूरत नहीं है यार। बेबी तो बेबी है, मतलब हम वो भी देखो अगर हमारे हिसाब से हो मतलब हम जो चाहते हैं थोड़ी ज़्यादा खुशी हो जाएगी कि ठीक है, और अगर नहीं जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें मिल गया, अभी इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसे उठा के फेंक देंगे, वो भी तो हमारा ही बच्चा है। तो सीधी सी बात है दोनों के साथ अच्छे से लाइफ कटती है, मस्त इन्जॉयमेंट होता है और उनकी परवरिश में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें उसके बाद कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, उन्हीं में खो जाता है, सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी दोनों बेटियों के साथ मेरी लाइफ कैसी चल रही है प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।